तो सबसे पहले हम लोग को एडिटिंग करने के लिए कुछ ऐप का जरूरत पड़ने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो अपने होम स्क्रीन में, तो यहाँ पे आप लोग को एक ब्राउज़र चाहिए, जो कि मैंने यार क्रोम ब्राउज़र का यूज़ किया है, एंड VPN एंड एलाइट मोशन एंड टेलीग्राम। तो ये सबको डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप लोग को इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आ जाना है, एंड वहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा टेलीग्राम चैनल कुछ इस तरह से आप लोग को दिखाई देगा। तो इन फ्यूचर में आप लोग को ये रोज़ डे वाला पोस्ट यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो अगर आप लोग को नहीं दिखता है तो ऊपर में आप लोग को 3 डॉट में क्लिक करना है, एंड आप लोग को सर्च करना है, एंड आप लोग को जो ये वीडियो का थंबनेल है वही सर्च करना है, एंड आ जाएगा ये पोस्ट। एंड नीचे आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो टेक्स्ट यहाँ पे दिखाई देगा, तो टेक्स्ट को यहाँ से आप लोग को कॉपी कर लेना है। एंड जैसे ही आप लोग टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हो तो आप लोग को बैक आ जाना है, एंड बैक आने के बाद दोस्तों आप लोग को कोई सा भी एक ब्राउज़र को ओपन करना है। एंड जैसे ही ब्राउज़र को ओपन कर लोगे तो यहाँ पे आप लोग को बिंग आप लोग को सर्च करना है, बिंग इमेज क्रिएटर करके आप लोग को सर्च करना है। एंड आप लोग जैसे ही सर्च करोगे तो आप लोग को बहुत सारा वेबसाइट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग जैसे ही सर्च करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा वेबसाइट आप लोग को दिखाई देगा। तो आप लोग को सबसे फर्स्ट वाला वेबसाइट में क्लिक करना है एंड ओपन करना है, एंड यहाँ पे आप लोग को कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो आप लोग को 3 लाइन में क्लिक करना है, एंड जैसे 3 लाइन में क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग को लॉगिन कर लेना है अपने ईमेल आईडी से। एंड लॉगिन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से दिखाई देगा, एंड क्वाइन भी दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप लोग को पेस्ट कर देना है जो भी टेक्स्ट वगैरह आप लोग कॉपी किया है, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह से टेक्स्ट दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप लोग को देख सकते हो योर नेम करके आप लोग को दिखाई दे रहा है, तो योर नेम को आप लोग को क्लियर करके अपना नाम लिख लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो योर नेम को आप लोग क्लियर कर लेते हैं एंड अपना नाम लिखते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे देख सकते हो योर पार्टनर नेम में आप लोग को अपने पार्टनर का नाम लिखना है, तो आप लोग को जो भी पार्टनर का नाम है यहाँ पे आप लोग को लिख देना है। एंड इतना हो जाने के बाद दोस्तों आप लोग को क्रिएट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, एंड जैसे ही आप लोग क्रिएट वाले ऑप्शन में क्लिक करते हो तो कुछ इस तरह से आप लोग का प्रोसेस होने लग जाता है, एंड आप लोग को थोड़ा सा वेट करना है। एंड आप लोग जैसे ही वेट कर लोगे तो आप लोग का फोटो भी बन के तैयार हो जाएगा, तो आप लोग को थोड़ा सा वेट करना है। एंड यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होगा तो आप लोग को एक बार में 4 फोटो बन के तैयार हो जाएगा। एंड आप लोग को यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप चाहो तो ये फोटो को डाउनलोड भी कर सकते हो। तो अगर आप लोग को कोई मिस्टेक लगता है तो आप लोग फिर से क्रिएट वाला ऑप्शन में क्लिक करके क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग 3 डॉट में आप लोग क्लिक करना है, एंड यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, एंड यहाँ पे हमारा फोटो भी डाउनलोड हो जाएगा। एंड इतना हो जाने का दोस्तों आप लोग को, अगर आप लोग का स्पेलिंग गलत होता है तो आप लोग फिर से क्रिएट वाले ऑप्शन में क्लिक करके फिर से क्रिएट कर सकते हो, एंड फिर से डाउनलोड कर सकते हो। एंड यहाँ पे देख सकते हो मैंने डाउनलोड कर लिया है। एंड आप लोग को यहाँ पे टेलीग्राम पे फिर से आ जाना है, एंड आप लोग को नीचे पे आ जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक और टेक्स्ट मिलेगा आप लोग। आप लोग चाहो तो दूसरा टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पे आप लोग को पेस्ट कर देना है दूसरा जो टेक्स्ट है, एंड प्रोसेस वही सेम रहेगा। एंड यहाँ पे भी आप लोग को अपना नाम लिखना है, एंड देन आप लोग को अपना पार्टनर का नाम लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग अपना नाम लिख लेते हैं, एंड अब देन आप लोग को जा करके पार्टनर का नाम लिख लेना है। एंड इतना हो जाने के बाद दोस्तों आप लोग को फिर से आप लोग को यहाँ पे देख सकते हो क्रिएट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले पार्टनर का नाम लिखेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे लिखने के बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पे नीचे में आप लोग को दिखाई दे रहा है क्रिएट वाला ऑप्शन। तो क्रिएट वाले ऑप्शन में आप लोग को क्लिक करना है, एंड जैसे ही क्रिएट वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आप फिर से आप लोग का प्रोसेस होने लग जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा कुछ इस तरह से बन के तैयार हो चुका है रोज डे वाला फोटो, एंड यहाँ पे देख सकते हो कुछ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है देखने में। एंड आप लोगों को किसी भी फोटो में क्लिक करना है, एंड वही प्रोसेस रहेगा। एंड यहाँ पे आप लोग को नीचे में 3 डॉट दिखाई देगा, तो 3 डॉट में आप लोग को क्लिक करना है, एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पे आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। एंड डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है आप लोग को। एंड यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड हो जाने के बाद दोस्तों आप लोग को फिर से बैक आ जाना है। एंड अब हम लोग वीडियो बनाएंगे, तो वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग को एलाइट मोशन को ओपन करना है। एंड एलाइट मोशन को देख सकते हो यहाँ पे कुछ ओपन हो जाने के बाद कुछ इस तरह से आप लोग को इंटरफेस दिखाई देने वाला है, तो आप लोग को थोड़ा सा वेट करना है। एंड यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, तो प्लस का आइकन में क्लिक करना है, एंड यहाँ पे जो भी सेटिंग वगैरह है आप लोग को यहाँ पे देख लेना है। एंड यहाँ पे 9:16 आप लोग का रहेगा, एंड यहाँ पे रेजोल्यूशन 1080p एंड 30 fps, एंड क्रिएट प्रोजेक्ट में आप लोग को क्लिक करना है। एंड इतना हो जाने के बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पे नीचे में प्लस का आइकन में क्लिक कर देना है, एंड जो आप लोग फोटो भी हम लोग बनाए हैं AI के मदद से उसको आप लोग को यहाँ पे ऐड कर लेना है। एंड जैसे ही ऐड कर लेते हो तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इसका लेंथ को आप लोग को 12 सेकंड के आसपास आप लोग को बढ़ा लेना है। तो यहाँ पे आप लोग जल्दी जल्दी से 12 सेकंड बढ़ा लेते हैं, एंड यहाँ पे देख सकते हो 12 सेकंड के आसपास आप लोग को रखना है लेंथ को। एंड यहाँ पे लेंथ 12 सेकंड के आसपास रखने के बाद आप लोग को लेयर में क्लिक करना है,
एंड यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है इस वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आप लोग दिखाई दे रहा है डुप्लीकेट लेयर वाला ऑप्शन, तो इसमें आप लोग को क्लिक करना है। एंड देख सकते हो हमारा डुप्लीकेट लेयर बन चुका है। एंड यहाँ पे जो सेकंड वाले लेयर में क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है ऊपर में थ्री डॉट्स में आप लोग को क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है फिल टू कॉम्पोजिशन एरिया, फिल कॉम्पोजिशन एरिया में क्लिक करना है। एंड यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड में हमारा फोटो लग चुका है। एंड सेकंड वाले लेयर में आप लोग को फिर से क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आप लोग को नीचे में इफेक्ट वाला ऑप्शन में जाना है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऐड इफेक्ट में आप लोग को क्लिक करना है। एंड ऊपर में आप लोग सर्च वाला बटन आप लोग को दिखाई देते हो, सर्च करना है आप लोग को गैजियन ब्लर करके। एंड यहाँ पे देख सकते हो गैजियन ब्लर आ चुका है। एंड यहाँ पे आप लोग को स्टैंडर्ड सेटिंग में आप लोग को क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे जैसे स्टैंडर्ड सेटिंग में क्लिक करोगे तो इसका यहाँ पे आप लोग को देख सकते हो यहाँ पे 0.250 के आसपास रखना है। एंड यहाँ पे देख सकते हो हमारा ब्लर इफेक्ट भी लग चुका है। फर्स्ट वाले हम लोग को फोटो पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो थर्ड वाला ऑप्शन में आप लोग को क्लिक करना है। एंड इस फोटो को छोटा कर लेना है यहाँ से। एंड फोटो को जैसे ही आप लोग छोटा कर लोगे तो आप लोग को यहाँ पे कुछ इस टाइप से छोटा कर लेना है। एंड फर्स्ट वाले लेयर में फिर से क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आप लोग को दिखाई देगा बॉर्डर वाला ऑप्शन, तो बॉर्डर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। एंड यहाँ पे स्टॉक को इनेबल करके आप लोग को स्टॉक का कलर व्हाइट रखना है। एंड यहाँ पे 9.0 रखना है स्टॉक का। एंड यहाँ पे देख सकते हो 9.0 रखने के बाद स्टॉक को यहाँ पे जो थर्ड नंबर वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे देख सकते हो शर्ट को इनेबल करना है। एंड यहाँ पे आप लोग को साइज़ का बात करें तो साइज़ आप लोग को 30 के आसपास रख लेना है। एंड पोजीशन का बात करें तो एक्स वाई को 0-0 रखना है पोजीशन को। एंड यहाँ पे देख सकते हो हमारा कुछ इस तरह से वीडियो बन के, यहाँ पे देख सकते हो हमारा वीडियो बन चुका है। एंड यहाँ पे सेटिंग के बगल वाले ऑप्शन में क्लिक करके इस वीडियो को सेव कर लेना है। एंड यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। एंड यहाँ पे देख सकते हो हमारा वीडियो सेव होने लग चुका है। एंड आप लोग को थोड़ा सा वेट करना है, हमारा वीडियो सेव होने लग जाएगा। एंड यहाँ पे आप लोग को जैसे ही सेव हो जाएगा तो हमारा जैसे ही सेव हो जाएगा वीडियो, तो आप लोग को नीचे भी सेव वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है एंड वीडियो सेव हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं हम लोग वीडियो बनाने का टेम्पलेट आप लोग को लगाना है। तो इस वीडियो में टेम्पलेट लगाने के लिए दोस्तों आप लोग को हमारे टेलीग्राम पे आ जाना है, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आ जाना है। एंड यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है थ्री डॉट ऊपर में, तो यहाँ पे आप लोग को थ्री डॉट में क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आप लोग को सर्च, आप लोग को सर्च वाला ऑप्शन दिखाई देगा, तो सर्च वाले ऑप्शन में आ जाना है। एंड यहाँ पे आप लोग को हीलिंग करके आप लोग को लिखना है। जैसे ही आप लोग हीलिंग सर्च करोगे तो यहाँ पे हीलिंग थाईलैंड कैपकट टेम्पलेट आपको दिखाई देगा, लिंक यहाँ पे मिलेगा। तो इस लिंक में आप लोग को क्लिक कर देना है। एंड जैसे लिंक में क्लिक करोगे तो इस वेबसाइट में आप लोग आ जाओगे। एंड यहाँ पे आप लोग को बहुत सारा टेम्पलेट यहाँ पे दिखाई देगा, तो आप लोग कोई सा भी टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो। एंड 5 टेम्पलेट आप लोग को यूज़ कर लेना है, आपका वीडियो बन जाएगा।